बॉलीवुड में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आज एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनकर पतिव्रता पत्नी के रूप में एक परफेक्ट लाइफ जी रही हैं। मगर ये सब माधुरी की असलियत नहीं है, बल्कि माधुरी ने अच्छे होने का मुखौटा ओढ़ रखा है और असलियत में तो ये एक बुढ़े अधेड़ उम्र के आदमी के साथ अश्लीलता फैला चुकी है और कई अफेयर रख चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर वो अधेड़ उम्र का बुढ़ा आदमी कौन था और इनके कितने अफेयर रहे? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको एक अधेड़ उम्र के बुढ़े के साथ अश्लीलता से लेकर डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी करने तक की कहानी बताकर माधुरी की असलियत से आपको वाकिफ कराएंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जो कि आज लाखों दिलों पर राज करती हैं, बता दें इनका जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। वहीं ये भी शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, मगर इनकी किस्मत इन्हें एक्ट्रेस ही बनाना चाहती थी, इसलिए तो इन्हें साल 1984 में अबोध फिल्म ऑफर हुई, जो कि इनके करियर की पहली फिल्म थी। मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई और अगले 4 सालों में इन्होंने जिस फिल्म में काम किया वो फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसके चलते ये पूरी तरह से टूट गई। मगर इनकी माँ ने इन्हें काफी सपोर्ट किया, जिनका सपोर्ट काफी काम आया और इन्हें तेजाब फिल्म ऑफर हुई, जो कि इनके करियर की सुपरहिट फिल्म रही, जिससे माधुरी दीक्षित रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसी के साथ इस फिल्म के बाद माधुरी को रामलखन, त्रिदेव, दिल और खलनायक जैसी फिल्मों को मिलाकर कई हिट फिल्में ऑफर हुई, जिनमें काम करके दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्री बन गई। मगर जब इन्हें दयावान फिल्म ऑफर हुई, जिसमें इन्होंने अधेड़ उम्र के अभिनेता विनोद खन्ना के साथ काम किया, तो इस फिल्म में माधुरी ने विनोद खन्ना के साथ कई सारे रोमांटिक और बोल्ड सीन देकर सभी को हैरान किया और पर्दे पर काफी अश्लील फैला दी, जिसकी वजह से माधुरी काफी समय तक सुर्खियों में रही। मगर समय के साथ ये सारी चर्चाएं बंद हो गई, पर माधुरी का नाम जल्द अभिनेता अनिल कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। पर माधुरी की तरफ से कुछ ऐसा वैसा नहीं था, इसलिए जल्द ये बात खत्म हो गई। पर इसके बाद माधुरी का नाम जोड़ा गया अभिनेता संजय दत्त के साथ, जिनके साथ खलनायक मूवी में काम करते करते माधुरी प्यार में पड़ गई थी और दोनों का रिलेशनशिप काफी सुर्खियों में आ गया था। वहीं संजय भी इस रिश्ते के लिए काफी सीरियस, मगर जब संजय का नाम इलीगल वेपन रखने और टेररिस्ट अटैक में आया तो माधुरी ने संजय से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, जिसके बाद माधुरी का नाम अजय जडेजा से जुड़ा, जो कि एक मशहूर क्रिकेटर थे। पर अब उनका नाम मैच फिक्सिंग में आया तो माधुरी ने उन्हें भी छोड़ दिया और अपने भाई से मिलने अमेरिका चली गई, जहां पर माधुरी की मुलाकात अपने भाई के दोस्त डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से हुई, जिन्हें 3 महीने डेट करने के बाद माधुरी ने उनसे शादी कर ली और शादी के काफी सालों बाद इन्होंने आजा नशली नाम की फिल्म से दोबारा अपना करियर रिस्टार्ट किया और गुलाल गैंग और टोटल धमाल जैसी फिल्में करके बॉलीवुड में वापस अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में ये सब जानकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।